हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना इन पास्ट टेंस में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पास्ट इनडेफिनेट टेंस से। इसमें हम WH फैमिली में पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, जो सेंटेंस हु, हाउ, व्हेन से स्टार्ट होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर डिड यू गेट द बुक फ्रॉम। तो यहाँ से सबसे पहले आप, ये जो डिड है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और जो ये गेट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये द बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद हम इसकी पैसिव फॉर्म बना रहे हैं, वेयर को एज इट इज़ लिखेंगे। जो हमारे डिड वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पर वॉज वर्ब लगता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा द बुक है इसकी अकॉर्डिंग देखेंगे हम, यहाँ क्या लगेगा तो वॉज लगेगा, वेयर वॉज द बुक। और जो ये गेट की थर्ड फॉर्म होती है ये चेंज करेंगे गॉट, फ्रॉम, बाय, और जो यू है ये यू में ही एज इट इज़ रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसके बाद लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड है हमारा हु कुक द फूड। जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम लिखते हैं बाय हुम। इसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, जहाँ पर डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पर वॉज वर्ब लगते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है द फूड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वॉज लगाएंगे, और इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसको लिखेंगे द फूड, और जो ये कुक्ड है इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो एज इट इज़ होती है कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड होती है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंटीन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें ING वाले सेंटेंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन वॉज शी टेकिंग हर लंच। तो आप सबसे पहले देखेंगे शी जो होगा हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING गिवन है, और ये जो हर लंच है ये ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन को एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद हर लंच की अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे यहाँ पर आएगा वॉज, व्हेन वॉज हर लंच, और जो ये ING है इसकी जगह लगेगा ING की जगह बीइंग, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, इसके बाद कनेक्ट करेंगे इसे बाय से, और शी को जब चेंज करेंगे ये होगा हर में चेंज, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेकेंड सेंटेंस है, हु वॉज कॉलिंग यू। तो यहाँ पर हु जो है हु चेंज होता है बाय हुम में, बाय हुम। अब देखो यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है हमें, यू के साथ वर लगता है, तो पहले हम यहाँ वर लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे यू, और जो ये ING है इसकी जगह बींग लगाएंगे, और जो ये कॉल है कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा वॉइस का यही पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें हैड वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें आपको कनेक्ट करना होता है बीन से। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर हैड स्वाति प्लेस द बुक। तो वेयर को आपको एज इट इज़ लिखना है, इसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हैड लिखा, और जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे द बुक, बीन लगाएंगे, और प्लेस थर्ड फॉर्म है एज इट इज़, इसके बाद बाय लगा के, और जो ये नेम है सब्जेक्ट इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखेंगे, तो ये स्वाति नेम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी फॉर्म बनेगी वेयर हैड द बुक बीन प्लेस्ड बाय स्वाति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका ये लास्ट सेंटेंस है, हु हैड इन्फॉर्म्ड यू ऑफ योर लेटर। हु वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं बाय हुम में, इसके बाद हैड को एज इट इज़ लगाना है, और जो ये हमारा यू है इसको आप लगाएंगे, और हैड के बाद यहाँ सब्जेक्ट लगा के फिर बीन लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इसके आफ्टर ऑफ योर रिजल्ट ये लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की तीनों फॉर्म पढ़ी है हमने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें।